हेलो फ्रेंड्स, यूजली हम देखते हैं कि बच्चों को स्कूल में टेबल्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आज हम कुछ ट्रिक्स करने वाले हैं कि टेबल्स बच्चे आसानी से याद कर सकें। सबसे पहले 9 का टेबल, ये सब ने जरूर इसकी ट्रिक की होती है लगभग। तो इसकी ट्रिक पहले देखते हैं, बहुत आसान है कि अगर 9 का टेबल लिखना हो तो सबसे पहले क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ऊपर से नीचे तक 0 से 9 तक काउंटिंग लिखनी है, फिर नीचे से ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये ट्रिक बहुत आसान है और लगभग सब ने अपने स्कूल टाइमिंग में की होती है। लेकिन नेक्स्ट वाले 2 टेबल्स, जिसको 9 का आता है, 19 और 99, को याद करना बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिए इनको हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले 19 शुरू करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने 0 से 9 तक लिखा था, उसी तरीके से यहाँ 0 से 9 नहीं लिखना, लेकिन हमें ओड नंबर्स को लिखना है सबसे पहले। जैसे सबसे पहले ओड नंबर क्या होता है, 1, नेक्स्ट ओड नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड देन 19। सबसे पहले हमने सारे ओड नंबर्स लिख लेने हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 9 तक रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो बहुत ही आसानी से 19 का टेबल बच्चों को लिखना बहुत आसान होगा। अभी 99 का टेबल देखें अगर, तो 99 का टेबल लिखना भी बहुत आसान है। इसके 3 स्टेप्स हैं लेकिन बिल्कुल सीक्वेंस में है, टाइम नहीं लगेगा इसको याद करने में। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें 0 से लेकर 9 तक लिखना है। राइट, ऊपर से नीचे तक 0 से 9 तक लिखना है। तो मिडल में जो टर्म बनती है सारे 9 ही रहेंगे, 9, 9, 9, 9, और इसकी जो थर्ड डिजिट रहेगा यानी कि यूनिट प्लेस, वो फिर से रिवर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो देखिए कितनी आसानी से 99 का, 19 का और 9 का ये तीनों टेबल लिखने बहुत ही आसान है। तो आई होप ये सबको हेल्प करेगा आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी। और हाँ, इसी तरह के 3 टेबल और कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।